ये साइकिल पे कैसे लगा आपको ये साइकिल, आपने मिशन लिया चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज, ये साइकिल पे कैसे, पहले भी साइकिल चलाया कहीं पे? साइकिलिंग एक अच्छा साधन है घूमने के लिए, क्योंकि आप मोटरसाइकिल से जाओ कार से जाओ तो स्पीड काफ़ी हो जाती है, तो आप जब भी कोई जगह से गुजरते हो तो आप उस जगह को ऐसे फील नहीं कर पाते हो, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हो, पूरा कल्चर लोगों से मिलना है, तो साइकिल सबसे बड़ा और सबसे अच्छा एक वाहन है जिसकी मदद से मैं घूमना चाहूँगा। ये फिर आपने साइकिल कितने का लिया? ये साइकिल मेरा तकरीबन 51,000 का है, और बाकी सब जो एक्सेसरीज है कैरियर और सामने का कैरियर ये बैग सब मिला के तकरीबन कुछ 70,000 के आसपास पूरा होगा। अच्छा, यार साल की छुट्टी लिया आपके घर वालों ने बोला कि यार आप पागल हो गए हैं साइकिल चलाने के लिए? घर वालों ने इजाजत नहीं दी? हाँ, इजाजत नहीं दी, फिर उनको थोड़ा मनाने में टाइम लग गया, फिर मेरे भी थोड़े कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे। People let them sleep in their houses, in temples, in mosques, everywhere, and people were feeding them. And they were offering money sometimes, but nobody wanted anything. So this is an amazing way to travel, eh? ये पढ़े लिखे बंदे हैं जो उनको प्रॉब्लम है कि ना तो वो रो सकते हैं ना वो हंस सकते हैं, हंसने के लिए लाफ्टर क्लब है। सही है। मैंने कहा वहाँ भैया कहते हंसने जाते हैं। हाँ यार, वहाँ हंसने का टाइम है यार कोई, ये क्या मतलब है? बोला ये सबसे बढ़िया तरीका है, साइकिल लेके निकल जाओ, पूरी पूरा भारत घूम लो, क्लाइमेट चेंज का एक मिशन लेके निकलो, जो भी सीखो एक साल में उसको थोड़ा असिमुलेट करो, मे बी आई हैव सम बेटर थिंग्स टू टीच। मैं भी हमें ना गुजरात के विच कच्छ के विच धौला वीरा बहुत मशहूर है, सिंध घाटी हड़प्पा सभ्यता का बहुत बड़ा और शहर था, तो 5,000 साल पहला वो शहर बसे था, बड़े लोग रहे थे, देख के आए हैं पानी के तलाव हैं, घर है, मकान है, पता नहीं क्या क्या बड़ा कुछ है, उन्हें की बोली लिपि अजे पढ़ी नहीं गई, तो उन्हें बहुत दुनिया को बना हुआ देखना वा, अज हमें भी आए हुए थे लंघ रहे हैं, तो आंद्रे हमारी गैर है उत्थे से चलिया वा लखपत आंद्रे जबीदस फ्रॉम दिस टाइम। सो एक होर बंदे मिले अब मैं भी घुमक्कड़ अपने साइकिलिंग बातें कर रहे हैं, बंदे घूम के किस तरह तजर्बा कर रहे हैं, मेरी गल एक प्रोफेसर साहब है ये अपना ना पढ़ावा कॉलेज के तो छुट्टी ले ली साल की भी साइकिल चलाना है। आपका नाम क्या है? जयंत महाजन है मेरा नाम। जयंत महाजन, और मैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। कहाँ पे? क्राइस्ट विद्यापीठ करके एक है। ये है कहाँ पे? क्राइस्ट विद्यापीठ वैसे बैंगलोर का है। अच्छा। और हमारा एक पुणे में भी एक ऑफ कैंपस है। ओके। तो लवासा नामक जगह है, तो वहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। ये साइकिल पे कैसे लगा आपको ये साइकिल, आपने मिशन लिया चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज, ये साइकिल पे कैसे, पहले भी साइकिल चलाया कहीं पे? हाँ, वैसे पहले से साइकिलिंग मैंने की है एज अ स्पोर्ट या एक शौक के लिए, लेकिन मुझे ये मतलब जब मैं साइकिलिंग करता था तो मुझे ये पता चला कि साइकिलिंग एक अच्छा साधन है घूमने के लिए, क्योंकि आप मोटरसाइकिल से जाओ कार से जाओ तो स्पीड काफ़ी हो जाती है, तो आप जब भी कोई जगह से गुजरते हो तो आप उस जगह को ऐसे फील नहीं कर पाते हो, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हो, तो बोला अगर देश को घूमना है, देश को एक्सप्लोर करना है और उसको एकदम फील करना है, पूरा कल्चर लोगों से मिलना है, तो साइकिल सबसे बड़ा और सबसे अच्छा एक वाहन है जिसकी मदद से मैं घूमना चाहूँगा। अब आपने छुट्टी ले ली साल की जी, पहले कहाँ गए थे साइकिल पे आप? हाँ, वो मनाली खारदुंगला, वो तो एक 10-15 दिन का प्रोग्राम था हम लोग का, वो तो हम लोग एक 10 जन थे ग्रुप में गए थे हम लोग। अच्छा। तो वो तो मतलब ऐसे घूमने गए थे, लेकिन एक्चुअली उसी की वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया मुझे कि ये कर सकते हैं। तो ये फिर आपने साइकिल कितने का लिया? ये साइकिल मेरा तकरीबन 51,000 का है, और बाकी सब जो एक्सेसरीज है कैरियर और सामने का कैरियर ये बैग सब मिला के तकरीबन कुछ 70,000 के आसपास पूरा होगा। कितने दिन हो गए आपको शुरू किए? अभी तो मुझे खैर 4 ही दिन हुए हैं। 4? हाँ, और अभी पूरा 1 साल का प्रोग्राम है। अच्छा, यार साल की छुट्टी लिया आपके घर वालों ने बोला कि यार आप पागल हो गए हैं साइकिल चलाने के लिए? वो तो बोला एक्चुअली, तो उसके लिए मेरा ये साइकिलिंग ट्रिप 1 साल थोड़ा लेट हो गया। अच्छा। क्योंकि घर वालों ने इजाजत नहीं दी? हाँ, इजाजत नहीं दी, फिर उनको थोड़ा मनाने में टाइम लग गया, फिर मेरे भी थोड़े कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे ऑफिस में और बाकी, तो वो सब सेट करते करते अभी कुछ 1 महीने पहले थोड़ा फ्री हो गया मैं, तो चल पड़ा मैं अभी। मैंने ना एक कहानी सुनी थी, एक ना गुजरात में प्रोफेसर थे,
तो वो पढ़ाते पढ़ाते सोने लगे, सोचने लगे भी यार सारी जिंदगी का मतलब क्या है। हाँ। उनका जो पिताजी थे बापू थे। हाँ। उनकी वो राजा जो पुराने राजा थे ना, उनकी बहुत जमीन ज्यादा गुजरात में। हाँ। वो उनके मतलब के जान पहचान थी। उन्होंने अपने फादर को बोला कि यार राजा को बोलो कि मुझे ना कुछ जगह दे दे, मैं तो वहाँ पर रहना चाहता हूँ। अच्छा। वहाँ पे जंगल लगाना चाहता हूँ। हाँ। तो उसके बाप ने, बापू ने कह दिया राजा को यार इसको दे दे, मेरा बेटा तो पागल ही हो गया, तो मैंने नौकरी नहीं करनी। फैसले छोड़ दिया। अच्छा। वहाँ पे ना जमीन लेके ना पेड़ उगा दिए। हाँ। वहाँ पे चिड़िया आती है और बहुत कुछ है। काफी सालों से मेरे जो प्लेस का नाम भूल गया, हमारे एक बहुत बड़े ट्रैवलर है मनमोहन बाबा, उन्होंने इसका जिक्र किया है। हाँ। तो वो वहाँ पे लोग जाते हैं, उनको ना चिड़िए की आवाजें पक्षियों पे आ जाए ना, वो रिकॉर्ड करके लोगों कहते ये सीडी ले जाओ सुनना घर में जाके। अच्छा, क्या बात है। वो नौकरी प्रोफेसरी छोड़ दी। हाँ। कहता ये कोई मतलब नहीं है। अच्छा। मतलब तो ये है। सो आंद्रे विदास आंद्रे यू हैव आल्सो वास्ट प्लेस फॉर अबाउट साइकिलिंग आल्सो अबाउट ट्रैवलिंग। सो यू टोल्ड मी अ स्टोरी ऑफ योर आई थिंक यू मेट अ गाय इन द वे दैट ही ट्रैवल थ्रू द साइकिल एंड ही स्पेंड No money. No money. You tell us some story. Where you met him? I met him in Buch. Yeah. And he is a fantastic guy from Spain. We had a couple of dinners together. And he actually cycled with his Swedish girlfriend from Jaisalmer to Buch, spending 0 rupees. Zero money. Zero money. He got not on food, not on staying. He got everything on the way. People let him sleep in their houses, in temples, in mosques, everywhere. And people were feeding them. And they were offering money sometimes, but nobody wanted anything. So this is an amazing way to travel, eh? So, bhai, jee kisi ne mukht ch ghumna hove te cycle chakko te mukht ch ghumo. Acha, he also told you that he spent in 2.5 years he spent a little bit money throughout the world. He cycled from Spain to South Africa. Yeah. Through 25 countries, and in total on a budget of something like 400 rupee per day, max. Oh. 400 rupee only per day. Yeah, in total something like 3,500 euros in 2.5 years. So this is a fantastic way, very cheap way and environmental friendly way. I mean, this is the most environmental friendly way you can travel as well. I think you more cheap from them. Actually, cheap traveling, too cheap. The last days I also didn't spend any money. So. अच्छा, this is when you hitchhike, sometimes it happens the same, you know. अच्छा, आप प्रोफेसर साहब, ये आपका मिशन है चेंज? हाँ, चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज जी। अच्छा, मैं एक बात देखता हूँ। हाँ। आपने यहाँ भी देखा होगा या जहाँ वाइट रन में देखेंगे या इन द वे वी सी नियर द हेवन रोड द पीपल हैव थ्रू आउट द प्लास्टिक बॉटल्स इन द वाटर। राइट। जो पढ़े लिखे बंदे हैं उनसे तो ये उम्मीद होगी, ये तो ये पढ़ा लिखा है ना, हाईली इंटेलेक्चुअल है, ही नो द एटिकेट्स, हाउ टू से, हाउ टू से। राइट। बट ये पढ़े लिखे बंदे ही ये इतना गंद गार्बेज पैदा कर रहे हैं धरती पे। सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे कहेंगे, क्या लगता है आपको? एक्चुअली हमारे पढ़ने लिखने का जो सिलेबस है, मैं खुद भी अभी एमबीए के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उस सिलेबस में ही ये पूरा मतलब कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट जो थॉट प्रोसेस है तो, हाँ, उसके उससे अलाइंड ही पूरा कंटेंट होता है। तो उसमें क्या है कि जितना एक्सप्लॉइट कर सको और उससे फिर जितना इकोनॉमी जनरेट कर सको एट द कॉस्ट ऑफ आई मीन विदाउट केयरिंग फॉर नेचर। तो मतलब बेसिक थॉट प्रोसेस ही वो है और यही हम लोग अजमेर में देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। मैंने एक और बात देखा है, आजकल हम पहले बात कर रहे थे कि पढ़े लिखे बंदे हैं जो उनको प्रॉब्लम है कि ना तो वो रो सकते हैं ना वो हंस सकते हैं, हंसने के लिए लाफ्टर क्लब है। सही है। मैंने कहा वहाँ भैया कहते हंसने जाते हैं। हाँ, वहाँ हंसने का टाइम है यार कोई, ये क्या मतलब है? जैसे आपने टाइम है कि फ्लश जाने का टाइम है, टॉयलेट जाने का टाइम है मेरा, तो मैं तो इस टाइम में जो आता है। हाँ, बिल्कुल। तो उस टाइम ही ये यार वो देखो कपिल शर्मा कॉमेडी शो चला रहा है लोगों को हंसाने के लिए। हाँ, सही है। लोग हंसते नहीं। So, मुझे तो लगता है कि यार पढ़ लिख के ना बंदे अपना आप ही भूल गए हैं। नहीं, ये बात बहुत सही है। इनफैक्ट अभी इतने सारे मेरे दोस्त हैं सब, तो ये मतलब हम लोग सोचते नहीं है कि एक प्लास्टिक बॉटल उठाने के पहले हम लोग ये नहीं सोचते कि अरे इसका आगे क्या होगा, या एक प्लास्टिक का पैकेट उठाने के पहले हम लोग इसका आगे क्या होगा, ये कहाँ से आया, क्या इसको मैं अवॉइड कर सकता हूँ, ये थॉट भी नहीं आता अनफॉर्चुनेटली। तो मेरी ये भी कोशिश है कि अभी मैं जो भी कैरी कर रहा हूँ, तो मतलब जो काफ़ी महीनों से पहले एक प्लास्टिक जो मैं 2-3 बैग्स खरीदे थे वही मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ। प्लास्टिक बॉटल्स मैं यूज़ करूँगा ही नहीं, 3 मेरे दूसरे बॉटल्स हैं उसी को मैं पूरा भी चलाऊँगा। अभी तो, आप रुकते कहाँ पे हैं रात को? मैं अभी कभी जैसे अभी कल एक स्कूल में रुक गया था, एक हेडमास्टर थे उन्होंने मुझे पनाह दे दी, तो उनके यहाँ पे रुक गया, काफ़ी बच्चों से बात करी मैंने। उसके पहले फिर से एक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में रुका था, तो एक टीचर थी, उन्होंने मुझे अपना सेकंड स्टैंडर्ड का क्लासरूम ओपन करके दे दिया, तो वहाँ पे एक स्लीपिंग बैग और मेरे पास एक मैट है एयरबेड जैसे, वो डाल के सो गया मैं।
तो ऐसे ही मैं सो रहा हूँ। आई थिंक आंद्रे यू आर ए प्रोफेसर, यू आर ए डॉक्टर, यू आर इंजीनियर, ओके, बट व्हेन यू ट्रैवल यू लाइक थिंक दैट यू आर ए कॉमन मैन and enjoy your trip. Absolutely. I think when you think that you are a professor, you're not enjoy. You think yeah, I'm highly intellectual, I'm special. But you mean you just... I told them already in the car after this trip, after 1 year, if you decide to go back as a professor, you can really teach. Absolutely. Because I think yeah. you're going to learn so much in this year. In fact, that's exactly what happened. मतलब वही हुआ कि अभी इतना साल मैंने पढ़ाया, उसके पहले मैं इंडस्ट्री में था हालांकि, और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ही मैं पिछले 5.5 साल से कर रहा हूँ। उसके पहले मैं रियल इस्टेट कंपनी में था, आईटी कंपनी में था, हॉस्पिटल टूरिज्म भी किया है मैंने, लेकिन अभी 5.5 साल के बाद जो लगा कि सिखाने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं बच्चों को, तो मुझे थोड़ा और अनुभव चाहिए, थोड़ा मेरा जो पर्सपेक्टिव है थोड़ा और विस्तारित होने की बहुत ज़रूरत है। तो बोला ये सबसे बढ़िया तरीका है, साइकिल लेके निकल जाओ, पूरी पूरा भारत घूम लो, क्लाइमेट चेंज का एक मिशन लेके निकलो, जो भी सीखो एक साल में उसको थोड़ा असिमुलेट करो, मे बी आई हैव सम बेटर थिंग्स टू टीच। तो इस हिसाब से आई थिंक यू थॉट दैट योर सिलेबस हैज ओवर, नाउ यू आर इन सर्च ऑफ न्यू सिलेबस, एब्सोल्यूट न्यू कंटेंट, मोर देन दैट, यू हैव न्यू कंटेंट, न्यू पर्सपेक्टिव्स, डीपर पर्सपेक्टिव्स, डीपर इनसाइट्स। तो बस यही I was thinking about just during the conversation about the plastic bottles. I would say, is it not a fantastic idea to, as a national government of India, create a budget and make a sort of money system on every plastic bottle, say 1 rupee per bottle or 0.5 rupee? Then you get a vast army of people which are quite poor and need the money. They start cleaning up all the plastic bottles and even earn some money on it. Mm. With that money, they can then even maybe even educate right. their children. And you get basically, it's a win-win-win situation. You clean up the country, you make a sort of extra job, you create an extra job, which could be for many, many people, especially the poorest. Right. And you could lift the education levels of the poorest people. Isn't that an idea? Absolutely. Beautiful. In fact, I was listening to someone, I forget who. Plastic is not really a problem. The way we are dealing with plastic is a problem. Because in fact, plastic probably is a good thing, because if I use plastic rightly, then it takes away the pressure on the other resources like steel, aluminium, and then so on and so forth. So what we need to do is ensure that we use plastic more wisely. Ensure that we don't scatter it, collect it in one place, and recycling. Keep on recycling it. I think that would be really good for the environment. So plastic per se is not a problem. So yeah. Main thing in today's conversation totally is that those not traveled try to travel. Absolutely. On oh yes. On the cycle, on foot, yes. by hitchhiking, without no money. Without, I think, Andre, I think your experience is that if you want to traveling, no need to money. Travel anywhere in the world. Yeah. Absolutely. You don't really need a lot of money to travel. And I show already for 30 years that you can do. I saw the 7 world wonders. I've been to 150 nations. If you look at my total budget, what I spent on this traveling, people would be amazed. I do it the real low budget way. And that's a golden rule in general. The less money you have and less money you spend, the less money you consume. So therefore, you actually pollute less. Yeah. Absolutely. Because my whole life philosophy is about trying to spend or use as few as possible and gain the maximum from it. In fact, this is very interesting. Just adding to what Andre just said, like traveling by hitchhiking is one way of sharing resources. Yeah. And when you share the resources, you end up polluting less and minimize your carbon footprint. And so I think the maximum social content back you get. I have the most amazing hitchhiking experience. Well, just the last 2 days with these from guys, last. For example. Like, this is just one of the hundreds of examples I had. It's just amazing. It brought me so much knowledge, Absolutely. So much cultural experiences, and so many joyful people. Beautiful. All around the world, all races, all ethnicities, all religions. Lovely. From last 2 days, we're sharing resources. Oh, wow. Achha, lovely. That's amazing. That's amazing. So what? So much thanks to you that you are here, share with us your experience, your feelings, Andre, and you, Professor. What's thank you very much. My name is Jayant Mahajan. Jayant Mahajan. Yes. बहुत बढ़िया गिंदा थली गिंदा थली यस थली भी जिसे सुनता हूँ मैं भाई जी मिले थे
ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਧੌਲਾ ਵੀਰਾ ਚ ਗਿੱਧਾ ਥੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੰਦਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ